राजनांदगांव नगर निगम में भाजपा पार्षद दल के बीच नेता प्रतिपक्ष को लेकर चल रहे असमन्वय की स्थिति को लेकर भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री संजय श्रीवास्तव पर्यवेक्षक के रूप में आज राजनांदगांव पहुंचे। यहां उन्होंने जिला भाजपा कार्यालय में पार्षदों की बैठक को लेकर भाजपा पार्षदों से चर्चा करते हुए उन्हें समझाइश दी। वहीं दरअसल राजनांदगांव नगर निगम में भाजपा पार्षद दल के वर्तमान नेता प्रतिपक्ष किशुन यदू को लेकर भाजपा पार्षदों के बीच असमन्वय की स्थिति बनी हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के कई पार्षद नेता प्रतिपक्ष को बदलने के पक्ष में हैं। इसी के चलते भाजपा महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने पर्यवेक्षक के रूप में सभी पार्षदों की एक बैठक ली, जिसमें उन्होंने कहा है कि विकास के कार्यों को लेकर अगर कोई दिक्कत है तो जिला संगठन और शासन स्तर पर अवगत कराए। वहीं नेता प्रतिपक्ष को लेकर उन्होंने भाजपा पार्षदों में नाराजगी के सवाल पर कहा कि राजनीतिक क्षेत्र में यह छोटी मोटी बातें होती है और जो समस्याएं हैं उसका बातचीत करके निराकरण करेंगे। राजनांदगांव जिले के हमारे नगर निगम के पार्षद दल की आज एक बैठक हमने आहूत की थी और बैठक के अंदर में आपसी बातचीत हुई है। आने वाले समय में चूंकि नगरीय निकाय के चुनाव है और नगरीय निकाय चुनाव में निश्चित रूप से सभी वार्डों के अंदर में हमारे प्रत्याशी होंगे, कुछ पुराने लोग भी लड़ सकते हैं, आरक्षण का विषय होगा, तो एक प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी के लिए आज ये बैठक आहूत की गई है और निर्देश किया गया है सभी अपने अपने क्षेत्रों में विकास के काम को तेज गति से करें और उनकी कोई दिक्कतें हैं क्षेत्र में, कहीं विकास के लिए कहीं कोई दिक्कतें हैं तो जिले को अवगत कराएं, शासन को अवगत कराएं ताकि उसके माध्यम से उन क्षेत्रों में विकास के काम हो सकें। साथ ही साथ कुछ आपसी सामंजस्य होता है, बातचीत होती है, किसी प्रकार के कोई विषय होते हैं, एक नियमित बैठक भी समय समय पर साल में एक आध बार हम प्रदेश के लोग बैठते हैं और बैठकर कोई आपसी सामंजस्य की बात है, कोई विषय की बातचीत है तो उसका भी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगा आज इसी संदर्भ में सभी पार्षदों से सामूहिक रूप से भी बातचीत हुई और वन टू वन भी बातचीत हुई कि कहीं किसी की कोई दिक्कत है उस समस्याओं का निराकरण करने के लिए हम बैठे आज।